गई। कितना किया है सस्ते में, बारात ने कर दिया रास्ता जाम। तो कल हमारी ऐसी वाट लगी चौपता, हम लोग गए वहाँ से गए तुंगनाथ ट्रैक। इतना भयंकर भयंकर हैवी स्नोफॉल था, पूरे सारे कपड़े गीले हो गए, जबकि रेन कोट ही पहना था, पूरे कपड़े गीले हो गए और इतना ज़्यादा ठंडा हो गया, हाथ पांव सारे हमारे अकड़ गए। तो उसके बाद हम लोग चौपता से डायरेक्ट आए थे गौचर। तो आज का जो प्लान है, हमने जाना है गौचर से द्वाराहाट, लेकिन इस बार रास्ता थोड़ा अलग है। इस बार हम लोग जाएंगे यहाँ से ग्वालदम गरुड़ होते हुए, कौसानी होते हुए द्वाराहाट। तो एक्सप्लोर करते हैं इस वे को, देखते हैं कैसा है इसका रूट। तो गाइड हम लोग थे टूरिस्ट गेस्ट हाउस GMN गौचर में, और हमारे से टोटल बिल आया तीन लोगों का, वो आया करीब आपके 1400 रुपये। तीन लोग का खाना था, एक रात रुकना था हमने, जो 1000 रुपये मतलब रेंट था, और 400 रुपये हमारा खाना हो गया। और ये है पूरा गौचर शहर, ये देखिए मार्केट है यहाँ पर पूरी। और ये रास्ता आता है बद्रीनाथ को, और पीछे को चला जाएगा तो वो जाएगा ऋषिकेश को। ये आप देख रहे हो पूरी मार्केट गौचर की, और ऐसे देखो ये बस जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, डायरेक्ट मिल रही है यहाँ से बस। तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है रहने के लिए। इस पुल को नीचे यहाँ पर कर्ण का मंदिर है, कर्ण को एकमात्र स्थान मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पर कर्ण देवता का मंदिर है, और नीचे संगम है वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का। और हम लोग आ गए हैं बद्रीनाथ रास्ते पे, और यहाँ से हमको निकलना है उधर ग्वालदम की ओर को। तो यहाँ से एक कट कटेगा जो सीधे ग्वालदम को निकलेगा। यहाँ से हम लोग ऊपर को रोड चलेगी बद्रीनाथ की ओर को, और ये नीचे रोड चलेगी ग्वालदम द्वाराहाट सब जो आएगी। ग्वालदम की रोड कुछ आगे से कटेगी इसमें कुछ किलोमीटर बाद। और देखिए शानदार ब्रिज जहाँ पे लोग गाड़ियाँ पार्क कर रखी अपनी। बस पुल के नीचे बह रही है पिंडर नदी। ये रोड बड़ी है औसम, इतनी जबरदस्त रोड है, इतनी चौड़ी रोड है। और कड़ी कौसानी 107 किलोमीटर, अल्मोड़ा 147 किलोमीटर, ग्वालदम है 59 किलोमीटर। अगर ये रोड हमको ऐसी मिल गई तो हमको 2 घंटे लगेंगे ग्वालदम पहुंचने में, अगर ये ऐसी होगी तो। क्योंकि बहुत जगह धोखा भी हो गया है हम लोग के साथ रुद्रप्रयाग साइड में, कुछ देर तक 1 किलोमीटर ऐसी रोड आती है, उसके बाद फिर तो जो भैसावाद तक आती है वो मैं जानता हूँ। और कल तो ऐसी बात लग रही है पूरे कीचड़ में गाड़ी चलाकर आ रखे हैं, जूते और कपड़े ऐसे हो गए थे कि खुद को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इस ढाबे में रुके थे, यहाँ खाए आलू के पराठे मस्त करके। अब निकल रहे हम ग्वालदम की ओर को फिर से, और ग्वालदम अब है यहाँ से करीब 56 किलोमीटर, यानी हम लोग कर्णप्रयाग से ये वहाँ से सिमली से 4 किलोमीटर चले हुए हैं, 4 किलोमीटर बाद ये ढाबा आ जाएगा। और नीचे बह रही है पिंडर नदी, बहुत सही लग रही है।
तो एक छोटी सी मार्केट आ गई है, ये है नारायण बगड़। यहाँ पे नारायण बगड़ पहुँच गए हम यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ था चौपता 25 किलोमीटर। मैंने कहा हम तो चौपता से भी आ रहे हैं, मैंने कहा तो बहुत दूर है यहाँ से। तो इनके इनके यहाँ पे भी एक गांव है, उसका नाम चौपता है। तो ऐसे यानी कि तीन चौपता है, एक तो रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दिखाता है वो चौपता अलग है, और एक यहाँ पर से वो दिखाता है वाला चौपता अलग है, और जो रुद्रप्रयाग से करीब 70 किलोमीटर है तुंगनाथ वाला एक चौपता हुआ है। तो ऐसे वाला चौपता नाम के तीन चार तीन गांव मैंने देख लिए, मतलब तीन दिन के अंदर, मतलब अलग अलग लोकेशन में। मड इतना घुस गया गाड़ी के अंदर तो बाइक की चेन आवाज़ करने लगी है। पिछले 10 किलोमीटर से मैं मैकेनिक ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं मिला नहीं। उन्होंने बोला कि थोड़ा आगे है तो यहाँ पर गाड़ी की जो चेन में ऑयलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर है क्या? या तो भाई साहब यहाँ भी चल रहा है रोटा काम। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और भी लगाया है बहुत लंबा जाम, इसी जाम में रुके हैं। और नीचे वादी देखो आप, नीचे की हसीन वादियाँ देखो, मस्त बहरिया है नीचे पिंडर नदी, और सामने छोटे छोटे गांव उत्तराखंड के खूबसूरत गांव। एवं नदी में जाके भी कुछ देर जाना चाहता लेकिन टाइम की कमी है। अरे जूते धुले थे क्या हुआ? जूते धुल के क्या हुआ? जूते धुले थे आज सुबह? वो तो मैं भी कह रहा हूँ। ये देख मेरे जूते देख। वो भाई साहब वो तक वो वाला कितना खतरनाक था। हाँ तो बस में जला कर दिया। हाँ मैं तो बस से आगे आ गया था, मैं बस से आगे था ना, रुका हुआ तो बस को इसलिए जाने दिया ना कि रास्ता दिख जा रहा है, तो रास्ते नहीं दिख रहा। हाँ बस के टायरों से ग्रिप बन जा रही है। हाँ लेकिन मिट्टी बड़ा भयंकर थी यार, विकेट वाली। गई कितना कीचड़ है सस्ते में भाई साहब, इतना कीचड़ है। कल जो मैं रुद्रप्रयाग का ब्लॉग बना नहीं पाया तो समझ लो कि ऐसी रोड थी करीब 50-60 किलोमीटर की, और उसमें गाड़ी ऐसे टायर रोल कर रहा पीछे आ रहा मेरा हद से ज़्यादा। वो तो एक्सपल्स है, ऑफ रोड बाइक है तो चल रही है, नीरज की तो बाइक बहुत ज़्यादा रोल कर रही है। अब देखो ये फिर से, अभी एक बार रुका था उस हफ्ते, बस मेरे आगे थी ना मेरे पीछे थी, अभी ये बस आगे चलेगी, और ये हम तीसरी बार रुक रहे हैं। यहाँ भी रोटा काम चल रहा है और ऐसी कंडीशन है। ये पूरा नीचे थराली है, नीचे जो आप देख रहे हो सामने कितना बड़ा पत्थर काट रहे हैं यार, उतना बड़ा पत्थर काट रहा है जैसे भी। और बात लग गई है जिंदगी की, इतनी थकान हद से ज़्यादा। CIJW स्कूल ग्वालदम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी ग्वालदम। यहाँ पे एक झील दिखाई दे रही है नीचे किनारे के, यहाँ पे एक तालाब है पानी का, और सब बोटिंग भी हो रखी है, रोड भी की एक अच्छा है प्लेस प्लेस में आने के लिए। तो 75 किलोमीटर की दूरी तय हमने कर ली, और टाइम हो गया है दिन के 1:30, यानी कि हम लोग को 4.5 घंटे लग गए ये 75 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्योंकि बीच में जो रोड की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी हम ग्वालदम में हैं, अभी हमने लंच किया नहीं है, लंच हम कहीं और करेंगे,
क्योंकि अभी 1:30 बजे तक के हैं, लंच चेक करने का प्रोग्राम है, 3 बजे तक लंच करेंगे आराम से, क्योंकि सुबह जो पराठे हमने खाए थे उसको पेट भर रखा अभी तक। तो अभी ग्वालदम से हमको करीब और 75 किलोमीटर राइड करनी है, 150 किलोमीटर टोटल रूट था हमारा। तो इस वाले जो रास्ते पे है कुछ मतलब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आएगा, इसके बाद हम लोग आपके चमोली से इंटर करेंगे अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। ग्वालदम के बाद सीधे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो ये पूरा ग्वालदम का मार्केट है, छोटा सा, इतना ज़्यादा फैला नहीं है, थोड़ा सा कुछ कम दुकान है बस। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में इसी रूट पे हमको 2-3 डेस्टिनेशन पड़ेंगी और वो काफ़ी औसम है, इसलिए ब्लॉग पूरा देख लेना, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो आपको दोबारा देखने को मिलेंगी नहीं किसी को ब्लॉग में, और मैं उसको पक्का आपको दिखाऊंगा। तो पहुंच गया हम माँ भ्रामरी कोट मंदिर, माँ नंदा देवी। तो यह है माँ कोट भ्रामरी माता का मंदिर। भवरे के रूप में माँ ने अवतार लिया से इसलिए भ्रामरी बोला गया, इसलिए भ्रामरी माता इनका नाम पड़ा। तो ये सामने आप देख रहे हैं नीचे एक बहुत बड़ी झील है, उसके कुछ पास में मंदिर है, अभी हम लोग उधर जाने वाले हैं। इधर कहीं पार्किंग है इस मंदिर के आगे, तो वहाँ से ये यहाँ पार्किंग है, ये लिखा हुआ है पार्किंग, इधर ही पार्किंग बनाई हुई है लेकिन खुली नहीं है शायद। तो हम उधर जाएंगे और देखते हैं कैसा है मंदिर जाला। तो ये सामने आप देख रहे हैं ना जो स्टोन है, अगर आप इसे ऐसे उठाओगे तो ऐसे उठ नहीं पाएगा, लेकिन
अगर 9 लोग अपनी एक एक उंगली ला के इसे उठाएंगे तो आराम से उठ जाएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 हैं तो हम ये मतलब कर नहीं पाएंगे। अगर कोई अभी आ गया तो हम उसके बाद दिखाएंगे आपको, अगर कोई आता है तो। करीब 3:15 बजे हैं और हमने अभी तक लंच नहीं किया, थोड़ा ऐसे एक मंदिर अंदर घूमते घूमते मतलब टाइम ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ गरुड़ है, इस पर मार्केट है गरुड़ की, तो यहाँ देखते हैं अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता है तो अच्छा है, मिल जाएगा तो मज़ा आएगा खाने के लिए, नहीं मिलेगा तो फिर आज कुछ स्नैक्स लेने पड़ेंगे, उससे से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे तक खाना मिलता नहीं वैसे अमून। अब किसी रेस्टोरेंट में बचा हुआ मिल जाएगा तो ठीक है। तो भैया मिल गया है खाना है? भड़की तुरकानी है, नबके नहीं है। तो गरूर में किया था हमने लंच और वहाँ से करीब कौसानी की दूरी थी 13 किलोमीटर जहाँ से हमने लंच किया था। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी कौसानी। यह कौसानी किसी दिन कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ पे घूमने के लिए है, कुछ टी गार्डन है और अनासक्ति आश्रम है, ऐसा कुछ है। इतना कौसानी शहर आपका पूरा और काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने इसे स्विट्जरलैंड बोला था, मतलब ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है। वो बहुत रहे थे यहाँ पे, तो उनका एक यहाँ पे आश्रम है, काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। और कभी मैं आऊँगा तो लोकल इसका कभी कोई ब्लॉग बनाऊँगा टाइम मिलेगा तो, आज इसके लिए टाइम नहीं है तो बना नहीं पा रहा हूँ। तो है द्वारहाट 41 किलोमीटर, तो हमको अभी 41 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। तो पहुंच गए हम लोग सोमेश्वर, जो रोड ठीक सामने को जा रही है ये जा रही है अल्मोड़ा को और द्वारहाट को टर्न करेगी इधर को। तो अल्मोड़ा यहाँ से 30 किलोमीटर है और द्वारहाट भी करीब 30 किलोमीटर है, दोनों के डिस्टेंस बराबर है। अब हम पहुंच चुके हैं बिनता, यहाँ से जो रोड जाएगी डायरेक्ट सीधे आगे को जो जा रही है वो जाएगी सीधे रानीखेत को और हम लोग यहाँ को टर्न करेंगे द्वारहाट की ओर को। द्वारहाट है यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर है ऐसे कुछ है, बारात ने कर दिया रास्ता जाम, पुरानी बारात कहाँ जा रही है। तो भैया पहुंच गया हम लोग द्वारहाट, तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, अगर कुछ कमी होगी तो सजेशन जरूर देना, और बहुत मेहनत से हम लोग व्लॉग बनाते हैं तो शेयर जरूर कर देना, और जो लोग डिसलाइक करते हैं उनको तो कमेंट करना जरूरी है कि उनको उन्होंने वीडियो डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। और द्वारहाट में हो पहुँच चुके हैं हम, अब बाकी देखते हैं कल का सीन शॉट क्या होगा।